जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत केस में हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए चलाया जा रहा है मुहिम, तो वहीं पर हैशटैग जस्टिस फॉर रिया रिया को इंसाफ दिलाने की मांग उठ रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती पर ये आरोप लगा है कि वो ड्रग्स के धंधे में शामिल थी और सुशांत सिंह को गैर तरीके से ड्रग्स दिया करती थी और जेल की सलाखों के पीछे भी है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी है। इन सब के बावजूद भी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज दो हिस्सों में बट गई है, जहां एक तरफ रिया का समर्थन किया जा रहा है तो वहीं करोड़ों फैंस सुशांत सिंह के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बता दें कि रिया की गिरफ्तारी के बाद राधिका मदन, शिवानी दांडेकर, अनुषा दांडेकर, तापसी पन्नू, सोनम कपूर, स्वरा भास्करा, अनुराग कश्यप जैसे बड़े सितारे उनके समर्थन में उतर आए हैं। हालांकि समर्थन करने वाले सेलेब्स को उस जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है जो सुशांत के लिए न्याय की मांग लगातार 14 जून के दिन के बाद से ही किए जा रहे हैं। हाल ही में अभिनेता साकिब सलीम ने बताया कि रिया का समर्थन करने पर लोग किस तरह से उन्हें गालियां दे रहे हैं। अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई साकिब सलीम ने रिया चक्रवर्ती के साथ फिल्म मेरे डैड की मारुति और दोबारा सी योर इविल में काम किया है। दूसरे स्टार्स की तरफ साकिब ने भी रिया की गिरफ्तारी का विरोध किया। साकिब ने सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती को लेकर अपना समर्थन किया था और उनको रिहा कराने की मांग भी उठाई थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती का समर्थन करना मतलब मुसीबत को बुलावा देना है। आज के समय पे कुछ ऐसा ही हुआ जब इन्होंने खुलासा किया कि साकिब सलीम लगातार लोगों के निशाने पर आ गए हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल किया जा रहा है। इसी के चलते एक यूजर ने साकिब सलीम को मैसेज कर कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उसने साकिब की बहन हुमा कुरैशी को लेकर भला बुरा कहा था। साथ ही अब साकिब सलीम ने उस यूजर के मैसेज को शेयर कर जवाब दिया है कि उन्होंने लिखा है कि मेरा भारत महान, मुझ पर और मेरे परिवार पर इतना प्यार बरसाने के लिए शुक्रिया, ये बहुत मायने रखता है। साकिब सलीम की इस पोस्ट पर शिवानी दांडेकर ने रिएक्ट करते हुए लिखा कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, अब हम क्या हो गए हैं। इसके अलावा श्वेता, बसु प्रसाद, अपूर्व लखिया सहित कई अन्य सेलेब्स ने यूजर की कड़ी निंदा की है। यानी कि जो भी रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहा है उनको कड़ी निंदा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो अपना दिल मजबूत करके रिया चक्रवर्ती की रिहाई की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति के ऊपर अपराधी दोष भी लग चुका है और उनका दोष भी सामने आ चुका है कि उन्होंने क्या बड़ी गलती की है जिसके चलते उनको सजा भुगतनी पड़ेगी, और आप उनका समर्थन कर रहे हैं, ये कहां तक का न्याय है? समर्थन उसका क्या जाता है जो निर्दोष हो? समर्थन उसका क्या जाता है जिसकी कोई गलती ना निकले? समर्थन उसका क्या जाता है जिसके लिए इंसाफ की मांग लगातार उठ रही हो? लेकिन समर्थन उनका भी किया जाना चाहिए जो कि दोषी नहीं है लेकिन उन पर जबरदस्त दोष होने का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि शुरुआत में रिया चक्रवर्ती के साथ हो रहा था। लेकिन जब ड्रग्स एंगल में ये बात व्हाट्सएप मैसेज के जरिए सामने आई कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स मंगाया करती थी इलीगल तरीके से, बावजूद उसके रिया चक्रवर्ती का समर्थन क्यों, ये बात सुशांत सिंह के फैंस लगातार उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में हैशटैग जस्टिस फॉर रिया या फिर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, आप सब किसको सपोर्ट करेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।